तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस जो हैं वो पहुंची हैं ईओडब्ल्यू की पूछताछ के लिए और बताया ये जा रहा है कि जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। सुकेश से जो गिफ्ट जैकलिन फर्नांडिस ने लिए थे उसके बाद अब जैकलिन फर्नांडिस से भी सवाल उठेंगे कि क्या वो सुकेश को पहले से जानती थी, और अगर वो जानती थी और गिफ्ट ले रही थी इतने महंगे महंगे गिफ्ट जो सुकेश ने जैकलिन फर्नांडिस को लिए थे, क्या उसको लेकर कभी उन्होंने सवाल नहीं पूछे? ये मुलाकात कब हुई, किसके थ्रू हुई, कैसे वो सुकेश को जानती, तमाम ये सवाल जो हैं वो जैकलिन फर्नांडिस से आज ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो पूछेगी। 200 करोड़ वसूली मामले में जैकलिन से पूछताछ होगी। सुकेश चंद्रशेखर ने दरअसल ठगी की थी, लेकिन उनके संबंध जो थे वो जैकलिन फर्नांडिस से थे, और उसका एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि 5 से 6 करोड़ रुपए के गिफ्ट जो थे वो सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को दिए थे। तो ऐसे में क्या जैकलिन सुकेश चंद्रशेखर के बारे में गहराई से तमाम चीजों को जानती हैं, उसके पैसे के सोर्सेस के बारे में जानती है, और क्या इसके बावजूद भी गिफ्ट्स लिए गए? ये वो तमाम सवाल हैं जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की ओर से पूछे जाएंगे। पीछे के दफ्तर से जैकलिन फर्नांडिस कैसे दाखिल हुई उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अनुज, अपडेट क्या है? जैकलिन फर्नांडिस ईओडब्ल्यू के दफ्तर में जाती हुई नजर आ रही है तस्वीरों में। जी बिल्कुल, जैकलिन फर्नांडिस जो हैं वो अब ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। उनसे पहले पिंकी ईरानी जो थी वो भी ईओडब्ल्यू पहुंची थी। जाहिर तौर पर अब उनसे सवाल जवाब जो है वो किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा, पूछताछ सुकेश चंद्रशेखर मामले में की जाएगी, जिसमें तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईओडब्ल्यू जानना चाहती है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महंगे गिफ्ट जो है वो सुकेश से जैकलिन ने लिया था, न सिर्फ महंगे गिफ्ट लिए गए थे बल्कि कुछ पैसे जो हैं वो भी रिश्तेदारों को भेजे गए थे, रिश्तेदारों को भी महंगे गिफ्ट जो हैं वो दिए गए थे। ऐसे में करोड़ों के जो गिफ्ट दिए गए थे वो पैसे का जो सोर्स था उसके बारे में क्या जैकलिन को पता था, इससे इर्द गिर्द तमाम सवाल जवाब जो हैं वो ईओडब्ल्यू जैकलिन से करेगी। जाहिर तौर पर पिंकी ईरानी को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा सकता है, क्योंकि पिंकी ईरानी ने ही सुकेश और जैकलिन की मुलाकात कराई थी। तो अब जैकलिन फर्नांडिस जो हैं वो ईओडब्ल्यू पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर में ही पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा के नेतृत्व में ये पूछताछ जो है वो की जाएगी, जिसमें तमाम सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे। इससे पहले जैकलिन की अगर बात किया जाए तो उन्हें 12 सितंबर और 29 अगस्त को भी बाकायदा सम्मन किया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं काम का हवाला दिया था और इसी वजह से वो दोनों संबंध पे नहीं आ पाई थी। लेकिन सख्ती से आज का संबंध ईओडब्ल्यू के द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि आज उनको पूछताछ के लिए आना है, और यही वजह है कि अब जैकलिन फर्नांडिस जो है वो ईओडब्ल्यू के दफ्तर में अंदर जा चुकी हैं, थोड़ी देर में ही पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ईओडब्ल्यू ने ये साफ कर दिया है कि ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो लंबा हो सकता है, इसीलिए बाकायदा जैकलिन को जो संबंध दिया गया था उसमें साफ तौर पर ये बताया गया था कि वो दिल्ली इसी तरीके से आए ताकि रुक सके, यानी हो सकता है कि कल भी जैकलिन से पूछताछ इस पूरे मामले में की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर सवालों की एक फहरिस्त के साथ अब ईओडब्ल्यू के अधिकारी थोड़ी देर में ही जैकलिन से पूछताछ शुरू करेंगे। जी अनुज, एक चीज और समझाइए, क्योंकि जिस तरीके से गिफ्ट्स के लेन देन हुए और वो कुछ कम पैसे नहीं थे बल्कि करोड़ों में ये पैसे लिए दिए गए, तो पहला सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि इतने बड़े अमाउंट में जैकलिन ने जो पैसे रिसीव किए तो उन रिश्तों का आधार क्या है, और क्या पैसों को रिसीव करने को लेकर जैकलिन को जानकारी थी कि सोर्स ऑफ इनकम सुकेश चंद्रशेखर की है? क्या उनकी ठगी के बारे में जानती थी, और अगर जानती थी तो उस लिहाज से ये पूछताछ इस केस में सबसे बड़ी पूछताछ है? जी बिल्कुल, जहां तक बात किया जाए ईओडब्ल्यू की, तो ईओडब्ल्यू इसी बात का पता लगाने के लिए जैकलिन को बुलाया गया है और इसी से इर्द गिर्द सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात किया जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साफ तौर पर जैकलिन फर्नांडिस को आरोपी के तौर पर नामित किया था, यानी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ये ज़रूर बात सामने आई थी कि पैसे के जो सोर्स थे उसके बारे में
जैकलीन को पता था, क्योंकि अगर बात किया जाए तो करोड़ों के गिफ्ट दिए गए थे। ईडी ने बाकायदा जो पैसे थे वो अटैच भी किए थे जैकलीन के। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन जो थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट की अगर माने तो कहीं ना कहीं जैकलीन को इस बारे में पता था कि जो पैसे अर्जित किए गए हैं सुकेश चंद्रशेखर द्वारा वो काली कमाई के हैं और उसी से ये गिफ्ट जो है वो खरीदे गए थे। लेकिन अब ईओडब्ल्यू की बात है, आज भी जो पूछताछ होगी अनुज, उसमें भी तमाम सवाल जो है जैकलीन के सामने रखे जाएंगे और देखना यह होगा कि जैकलीन फर्नांडिस उन सवालों का जवाब कैसे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए।